अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और झटपट बन जाने वाले आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल और दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, एनी वन कैन मेक इट। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। यल्ला सो व्यूवर्स, आलू गोश्त की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ट्रेडिशनल आलू गोश्त बनने जा रहा है ये, जैसे कि हमारे घर में बनता है और बहुत ही मज़े का होता है ये। तो उसके लिए मैंने ये 500 ग्राम गोश्त है हड्डी वाला, और उसमें मैंने ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है आपको, ये मैंने जो हड्डी उड्डी होती है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो मैंने 5-6 इसमें मिला दी है। थोड़ा सा एक बॉयल लेके उनका पानी फेंका था और फिर मैंने उसको ऐड किया है इसमें ताकि उसकी स्मेल ना आए। बाकी ये गोश्त है 500 to 550 ग्राम और ये हड्डियाँ मिला के ही तकरीबन 650 ग्राम का मटन है ये। तो इसका मैं आलू गोश्त बनाने जा रही हूँ सिंपल ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भर के 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ हर चीज़ में, लाइक माई मॉम, मेरी अम्मी भी बहुत सारा ऐड करती हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इससे टेस्ट इन्हेंस होता है। अगर आप इससे इसको कंजूसी से डालेंगे तो टेस्ट आपके खानों में इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसको आप प्रॉपर डालें, बिल्कुल सही क्वांटिटी में डालें, कम तो बिल्कुल ना डालें, ज़्यादा हो जाए तो इट्स ओके बट कम नहीं होना चाहिए। और मैं अब डाल रही हूँ ये ऑयल है, तो 1/2 cup मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। मैंने कुछ फ्राई किया था वो, फिर मैंने उसका छान के ऑयल इसमें ऐड किया है, तो इसलिए ये इस तरह से थोड़ा सा था। और बाकी मैंने ये बहुत बड़े साइज़ की अनियन है ये, अगर छोटे साइज़ की अनियन हो तो आप 2 ले लें, अगर मीडियम हो तो आप 2 मीडियम साइज़ की लें, अगर बहुत बड़ी ये बिग साइज़ की जैसे आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा तो ये मैंने इसलिए 1 ली है। और इसके अलावा ये हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के आपको टमाटर ले लेने हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये बड़े बड़े मैंने रफ कट कर लिए हैं बड़े बड़े साइज़ में, क्योंकि इसको हम फर्दर कुक करेंगे तो बहुत बारीक काटने की इसको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, तो पहले मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। 10 से 12 आपको काली मिर्चें ले लेनी है, मैंने शायद 15 के करीब ले लूँगी, मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। 1 मैं ले रही हूँ बड़ी इलायची, और इसके अलावा मैं ले रही हूँ 2 अदद छोटी इलायची, हरी इलायची, 4 से 5 अदद लॉन्ग ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने ऐड किए हैं 1 inch के, और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 teaspoon साबुत ज़ीरा, ये इसमें मैंने फुल भर के ऐड कर दिया है। और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें है रेड चिली पाउडर जो कि मैं 1 teaspoon फुल भर के ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर है तो ज़रूर डालें। ये मैं डाल रही हूँ 1/2 teaspoon के अराउंड। इसके अलावा जाएगा इसमें धनिया, धनिया आप 1/2 tablespoon के बराबर भर के डाल दें, मैंने 2 teaspoon भर भर के डाला है, तो ये 1/2 tablespoon के अराउंड हो गया होगा, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। और इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी 1/2 teaspoon के अराउंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें जाएगा सॉल्ट, 1 teaspoon मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। बहुत ही सिंपल आलू गोश्त होता है ये और बहुत ही मज़े का होता है ये, ओरिजिनल स्टाइल है, दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त जो होता है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल। सब कुछ इसमें मिक्स कर देते हैं और पानी डाल देते हैं, तो अराउंड मैंने 2 cups पानी ऐड कर दिया है इसमें। मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी पानी के अंदर अंदर कर दूँगी, और इसको तेज़ आंच पर हम कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही ये कुक होना शुरू होगा, तेज़ पकना शुरू होगा, फिर मैं इसे दम पे रख दूँगी, तो अभी इसमें एक उबाल आ जाए फिर मैं कवर करूँगी। सो व्यूवर्स, इसको 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं तेज़ आंच पे कुक होते हुए, अब मैं इसको कवर कर दूँगी फुल मीडियम लो फ्लेम पर, हम इसे कुक करेंगे 45 मिनट्स या जब तक गोश्त गल जाए, डिपेंड करता है आप बीफ का बना रहे हैं या मटन का बना रहे हैं, जितना टाइम गोश्त गलने में लगे ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगता ही है बीफ या मटन में, तो इतना आप इसे कुक कर लें गल जाने तक। ऑलमोस्ट अब 1 घंटा होने वाला था और मैं खोल के देखने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए आलू कट कर लिए थे कि आलू गोश्त में आलू बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो देखें इस तरह से हम लोग आलू कट करते हैं, लंबाई में हमारे यहाँ इस तरह से कट किए जाते हैं आलू,
तो ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसके ज़्यादा पीसेस किए हैं, वरना यूजुअली 4 पीस किए जाते हैं आलू के ना इस तरह से, और ये बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो देखते हैं खोल कर गोश्त गल गया है या नहीं, लेट्स चेक। सो व्यूवर्स, मैं अब इसका ढक्कन हटा रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, तो ये बहुत अच्छा सा कुक हो गया है और गोश्त भी डेफिनेटली गल चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। और अब हमें क्या करना है, इसका हमें चूल्हा तेज़ करना है, आँच इसकी तेज़ करनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसको भून लेना है, क्योंकि अभी भी इसमें देखें थोड़ा पानी है, और क्योंकि ये काफ़ी देर से कुक हो रहा है तो इसलिए इसका तेल थोड़ा गायब हो चुका है, तो हमें अच्छी तरह से इसको भून लेना है। टमाटर और प्याज वगैरह बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके वो गल ही चुके हैं, और बिल्कुल हमें इसको भून के गायब कर देना है सालन में, अच्छा सा हमें इसको भूनना है। अब 3 से 4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, देखें, और इसका काफ़ी पानी रिड्यूस हो गया है, और अब इस मोमेंट में मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी जो हमने कट किए थे, और आलू के साथ भी हम इसको भून लेंगे अच्छा सा। हम फर्दर इसको भूनेंगे ताकि इसका मज़ीद पानी खुश्क हो जाए और आलू भी इसमें भून जाए, थोड़े से इसमें ज़ायका आ जाएगा। अच्छी तरह से भून गया है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी आलू को गलाने के लिए, क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट तक भूना होगा, आलू को 5 से 6 मिनट भूना है, और अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें पानी मिला रही हूँ। जितना आपको शोरबा रखना है उतना मिला लें, मुझे थोड़ा शोरबे वाला पसंद है, आलू गोश हमारे घर शोरबे वाला बनता है और उसी में टेस्ट आता है ज़्यादा, तो मैं उसी हिसाब से मिला रही हूँ। तो आलू को हमने भूना है सिर्फ, अभी ये गले नहीं है, तो उनको हमें गलाना है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, बैकग्राउंड पे कुछ रैंडम जो आवाज़ें आ रही हैं वैक्यूम की, उसको इग्नोर करें। तो ये देखें इतना इसमें पानी हमने कर दिया, और थोड़ा सा फिर हम इसे कुक करेंगे तो ये इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर ये हरा धनिया कट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है आलू गोश में, बहुत ज़रूरी होता है, ये ब्यूटीफुल लगता है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत पसंद है। और ये हैं ग्रीन चिलीज 4 अदद, ये मैंने सब कुछ वॉश करके धनिया को कट कर लिया है, और मिर्चों के जो वो डंठल होते हैं वो अलग कर लिए हैं, तो ये भी रेडी है। बस अभी कुछ देर में मैं ढक्कन हटाऊँगी और बस ये सब मैं गार्निश करूँगी। तो व्यूवर्स, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं, और अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ, और ये देखिए मैं आपको आलू दिखा दूँ, आलू जो है गल चुका है बहुत अच्छा, ये देखें। तो बस आलू हमें गलाने थे, और ये अच्छी सी इसकी शक्ल हो गई है, तो ये जो है ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है शोरबे वाला। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं इस पर वैसे ही ढक्कन ढकूँगी ताकि इसका थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए। तो मैं अभी धनिया नहीं डालूँ, थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट रुकूँगी, 1-2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद करके 1-2 मिनट के लिए ढक्कन दोबारा ढका है, जो शक्ल है वो अच्छी सी हो जाएगी, थोड़ा रोगन ऊपर आ जाएगा, फिर मैं डालती हूँ ये गरम मसाला और हरा मसाला। सो अब इसको 2 से 3 मिनट हो गए थे ढके हुए, और आप देखें अच्छी सी शक्ल हो गई है इसकी, और मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है आलू गोश्त में, खाते हुए भी आप लोग डाल सकते हैं, कुछ लोग उस टाइम पे भी डालते हैं ज़रूर। तो ये अराउंड मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, मैंने पूरा डाला भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ सर्विंग के टाइम पे भी डालेंगे। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हरा धनिया इसमें जा रहा है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये हैं ग्रीन चिलीज, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल आलू गोश्त तैयार है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बट बहुत ही टेस्टी होता है। ऑथेंटिक आलू गोश्त का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से आलू गोश्त बनाएं। और मेरे हस्बैंड तंदूर की रोटियां लेकर आ गए हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं तंदूर की रोटियां, अगर आपने किसी को अगर आइडिया है तो बहुत ही मज़े की लगती हैं, तो ये आप इससे खाएँ, इसको नान से बहुत इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाता है। सो व्यूवर्स, ये थी बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक ट्रेडिशनल दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी,
जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर माई वीडियोज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।